हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है लेवल अप इवेंट सेकंड अकाउंट से, एंड आज हम करने वाले हैं अपने सेकंड अकाउंट में सेकंड R5 चैंपियन 6 स्टार का। तो वो जो होने वाला है वो होने वाला है निक फ्यूरी। पहला हमारा हरकुलिस था, दूसरा हमारा निक फ्यूरी होने वाला है। हम इसको असेंडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सोच रहा हूँ असेंडेंट नहीं किया जाए। मैं यार निमरॉड को सोच रहा हूँ वैसे असेंडेंट करने के लिए, या मैं सोचूंगा सिल्क को असेंडेंट करने के लिए। फिलहाल तो नहीं सोच रहा हूँ, फिलहाल निक फ्यूरी को करने वाला हूँ मैं। और यार मेरी इन्वेंट्री में क्या भर रखा है, पहले इन्वेंट्री मेरे को खाली करनी पड़ेगी ताकि जल्दी से जल्दी इसको कर पाऊँ। टेक में मेरे पास में क्या है, टेक में मेरे पास में शायद से शॉकर है। शॉकर को हम डाल सकते हैं कुछ पॉइंट और, एंड इन्वेंट्री को खाली कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या हो गया। लोडिंग क्यों हो रही है इतनी, लग जा भाई। ओके, लेवल 20 तक हमने शॉकर को अपग्रेड कर लिया है। शॉकर का भी डैमेज बहुत तगड़ा है भाई, 7 स्टार वाले का, 6 स्टार वाले का इतना मुझे लगा नहीं था खास है ये, लेकिन 7 स्टार वाले में ज़्यादा अच्छा है यार। वैसे अगर कोई और टेक में मिल जाए, मेरे को शूरी मिल जाए, मेरे को वो भी बढ़िया लगती है। एंड हमारे को यहाँ पे हमने जो क्रिस्टल ओपनिंग वीडियो की थी, सारे फीचर चैंपियन मिल गए थे हमको। लगभग किंड्रेड नहीं मिला शायद से। वॉक्स में भी कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं। अब आ गया म्यूटेंट और आ गया स्किल। म्यूटेंट में अगर देखा जाए तो मेरे पास में शायद से किटी प्राइड है। किटी प्राइड में हम पॉइंट्स डाल सकते हैं। वैसे प्रोफेसर भी बचा हुआ है 7 स्टार वाले का। यहाँ पे पहले इसको अपग्रेड करते हैं, लेवल 6 तक हमने पुश कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, साइंस है। और अरे यार कितना इन्वेंटरी बार रखा है मैंने भाई। साइंस में किस में पॉइंट डाल सकते हैं, ओ फोटोन है हमारे पास में, हमारे पास स्पॉट है, स्पॉट में भी पॉइंट डाल सकते हैं 7 स्टार वाले के। 6 स्टार में पहले तो ये डालते हैं, फोटोन में पॉइंट डाल दिए। अब आ गया है थोड़ा बहुत मिस्टिक मेरे पास में, तो मिस्टिक में भी थोड़े बहुत पॉइंट्स डाल देते हैं। मिस्टिक में मेरे पास में आई थिंक वेयरवुल्फ आ गया था, वेयरवुल्फ में पॉइंट्स डाल देते हैं। विकन भी है मेरे पास 6 स्टार में, वोंग भी आ गया एक डिफेंडर के तौर पर। ये रहा वेयरवुल्फ हमारा भाई, एंड चलो इसको किस लेवल पर पुश कर दिया, लेवल 22 तक मैंने इसको पुश कर दिया है। लेट्स सी, देखते हैं अब हमारे पास में इन्वेंट्री में स्टैश में क्या है, स्टैश में कौन सा हमारे पास में आ रहा है। निक फ्यूरी रहा ये, हम निक फ्यूरी को अपग्रेड करना शुरू करते हैं भाई। इसको 6 स्टार रैंक 5 का बहुत ही ज़बरदस्त चैंपियन है ये, डिज़र्व करता है सेकंड लाइफ की वजह से। और हाँ, लाइट हिट कॉम्बो अगर लाइट हिट से एंड करोगे तो ब्लीड का डैमेज भी बहुत तगड़ा फेंकता है ये। और मास्टरी सेटअप अगर आपका वो है ब्लीड कर्स वाला है तो फिर यार अमेजिंग डैमेज प्रोवाइड करेगा ये। फिलहाल तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसमें डाल दिए। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ बेसिक में से भी थोड़े पॉइंट्स थोड़े से यहाँ पे टाइम बाय कर लूँ। लेवल 50 तक पुश कर दिया हमने, 15 लेवल इसमें जाने हैं और उसके बाद में ये पूरा का पूरा 6 स्टार रैंक 5 मैक्स आउट हो जाएगा। यहाँ पे कर दिए मैंने बेसिक और क्लेम, 56 लेवल तक हमने इसको डाल दिया है। एंड हाँ ये डाल दिया यार, मेरे पास तो रैलिक भी था ना, मेरा रैलिक को भी अपग्रेड करने थे यार। सोच रहा हूँ कर दूँ क्या थोड़ा बहुत इधर भी लेवल रैंक कर देता हूँ। लेवल 61 तक हमने इसको पुश कर दिया ना एक बार में, तो आई थिंक मेरे पास में 13 दिन आ चुके हैं। अब 13 दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 13 दिन में बहुत, हाँ यार 13 दिन बहुत टाइम होता है वैसे देखा जाए तो। मुझे लगता है यार मैंने ना गलती कर दी है, रैलिक को भी कर लेता हूँ यार, मैं कर लेता हूँ रैलिक को अपग्रेड। मुझे लग रहा है 6 स्टार वाले को कर लूँ क्या। हमको स्टॉर्म मिली है आई थिंक, कर देते हैं इसको। चलो इसमें कुछ अपग्रेड डाल देते हैं। लेवल 19 तक मैं पुश कर सकता हूँ सॉकेट लेवल, स्लॉट लेवल इसके। लेवल 19 तक पुश कर दिए हमने, एंड लेवल ये वाला भी रियून अपग्रेड करना है। लेवल 10 तक हमने स्लॉट लेवल इसके भी डाल दिए। ओ बेसिक वाला एम्बर मेरा एक्सपायर हो रहा है, ओके इसे क्लेम कर सकते हैं हम, है ना, 25 क्लेम कर सकते हैं, बढ़िया। चलो अभी आई थिंक 24 दिन का समय है, बहुत समय होता है भाई ये तो, 24 दिन का समय बहुत समय होता है। लेकिन फिर भी मैं बेसिक वाले डाल देता हूँ इसमें, लेवल 13 17 20 तक, ओ नहीं नहीं 18 तक मैं इसको डालता हूँ। क्या इसको मैं रैंकअप कर सकता हूँ रैंक 2 पे, सॉरी रैंक 3 पे। यहाँ पे और क्लेम कर लिए मैंने, एंड आई थिंक लेवल अप इवेंट जो है ना वो भी कंप्लीट हो गया होगा। एंड नेक्स्ट लेवल अप पे हम देखते हैं ओ इसको पूरा मैक्स आउट करने का ट्राई करेंगे। ओके तो गाइज लेवल अप इवेंट पूरा फिर से आ चुका है। यहाँ पे हमने निक फ्यूरी को R5 पे पुश किया था लेकिन इसे मैक्स आउट नहीं कर पाए हम, 61 लेवल पे है ये। ओके टैक है, मिस्टेक है और कॉस्मिक है। सबसे पहले तो यहाँ पे करते हैं टैक में, खाली करते हैं हम अपनी इन्वेंट्री। टैक में हम आई थिंक शॉकर को अपग्रेड कर सकते हैं, शॉकर का बहुत तगड़ा डैमेज है। 22 लेवल तक हमने पुश कर दिया शॉकर को भी। अब क्या है मेरी इन्वेंट्री में ज़्यादा, वो है कॉस्मिक और है मिस्टेक यहाँ पे।
तो कॉस्मिक में मुझे लगता है मुझे किस एक सिक्स, हाँ सिक्स स्टार ये आ गया। वॉक्स, वॉक्स को हमने अपग्रेड करना शुरू किया था, सरसी अपग्रेडेड है रैंक 3 पे शायद से, यहाँ पे हम वॉक्स में अपग्रेड कर देते हैं, 17 लेवल तक पुश कर दिया है, इसे अभी तक खेलना नहीं सीखा है मैंने, खेलेंगे लेकिन। ओके मिस्टिक में अब मेरे ख्याल से मेरे पास डूम है, मेरे पास में वेयरवुल्फ है, ओके यहाँ पे रिंत्रा भी R3 मैक्स आउट है, वेयरवुल्फ अपग्रेड करना है, विकन को अपग्रेड करना है, यहाँ पे वोंग एज अ डिफेंडर काम आता है लेकिन मैं इसको अपग्रेड नहीं करूंगा, विकन को अपग्रेड करूंगा, वेयरवुल्फ को अपग्रेड करूंगा एंड देन डॉक्टर डूम तो ऑब्वियसली बात है करना ही करना है। वेयरवुल्फ को फिलहाल अपग्रेड करते हैं हम, यहाँ पे 24 लेवल पे पुश कर दिया है इसे, एंड कितना ISO चाहिए इसको पूरा मैक्स आउट करने के लिए एक बार देख लेते हैं। अभी हमें चाहिए 3000 ISO, तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे बेसिक की 3000 वाली ब्रिक उठाऊंगा, ये उठाई मैंने 3000 की ब्रिक एंड आई थिंक अब मेरे ख्याल से ये हो गया है कंप्लीट। वेयरवुल्फ भी, वेयरवुल्फ बाय नाइट रैंक 1 मैक्स आउट हो चुका है, इसे नहीं करेंगे अभी फिलहाल। यहाँ पे विकन को अपग्रेड करना चाहेंगे, मैं किसी को भी पुश नहीं करने वाला क्योंकि हमने ऑलरेडी किसी को पुश किया हुआ है एंड इसलिए मैं उसमें ही अपग्रेड। ओके अब आया है साइंस, ओके ओके एक मिनट सॉरी, मेरे को चैंपियंस पे जाना था, मैं यहाँ पे ISO में चला गया। साइंस के चैंपियंस में हम किसको अपग्रेड कर सकते हैं, देखो फोटोन है यहाँ पे, स्पॉट है, ओके स्कॉर्पियन भी है, मॉर्बियस है, मैंने सुना यार मॉर्बियस बहुत ही बुरा चैंपियन है, बहुत ही सुअर चैंपियन है, इसलिए हम सुअर में पॉइंट्स डालेंगे ठीक है। तो यहाँ पे आ गया रैंक 3 पे, लेवल 3 पे इसे अपग्रेड कर दिया है। अब आ गया थोड़ा बहुत म्यूटेंट, म्यूटेंट में हम थोड़े पॉइंट्स डाल देते, देखते हैं म्यूटेंट में हमारे पास आई थिंक एपोक्लिप्सी है, किडी प्राइड आई थी नहीं हमारे पास में, हमने इसको R2 पे पुश किया था जहाँ तक मुझे याद है एंड लेवल 10 पे हमने इसे पुश कर दिया है। चलो अब यहाँ पे इन्वेंट्री से क्लेम करते हैं थोड़े बहुत ISO एंड अपग्रेड करते हैं। सारे रंग बिरंगे ISO है, ज़्यादातर मेरे ख्याल से टेक में है और कॉस्मिक में है, तो टाइम लगेगा इसे अपग्रेड करने में। म्यूटेंट में हो गया लेवल 13, अब आ गया है कॉस्मिक, अब चलते हैं वॉक्स पे वापस से और उसके बाद आता है हमारे पास टेक ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे कॉस्मिक, ये आ गया वॉक्स, ये आ गया अपग्रेड, लेवल 20 तक हमने पुश कर दिया है वॉक्स रैंक 1 को। अब आता है टेक, तो चलते हैं टेक, इधर उधर करने में टाइम चले जाता है यार। टेक में नेबुला भी बहुत बड़ी, अरे टेक में हम किसी को अपग्रेड कर रहे थे शायद से, अरे हम 7 स्टार को अपग्रेड कर रहे थे यार। ये आ गया यहाँ पे शॉकर एंड ये हो चुका, ये ऑलमोस्ट रैंक 1 मैक्स आउट होने वाला है। कितना ISO चाहिए एक बार देख लेते हैं हम, हमें चाहिए 4, हमें चाहिए 4500 ISO चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं छोटी ब्रिक्स उठाते हैं बेसिक वाली, 4500 ISO चाहिए, एक ये आ गया एंड एक आई थिंक 125 वाला ISO अगर डाल देता हूँ तो वो हो जाएगा उससे काम। दो ये आगे क्लेम कर लिया 4 मैंने एंड आई थिंक हमारा जो शॉकर भाई है ये हो चुका है पूरा का पूरा अपग्रेड रैंक 1 मैक्स आउट। क्या इसको हम रैंक 2 पे डाल सकते हैं, अभी मेरे पास में नहीं है भाई, चीज़ें नहीं है इसे अपग्रेड करने की, वरना इसको कर देता। चलते हैं 6 स्टार में हम किसको अपग्रेड कर सकते हैं, टैक में किसी को अपग्रेड नहीं कर सकते, बस हमें रैंक पुश करना पड़ेगा। आई थिंक मैं नेबुला का भी रैंक पुश, एक मिनट यार, लेडी डेस्ट्रॉय का रैंक ना पुश कर देते हैं, हाँ यार इसका रैंक में सोच रहा हूँ पुश कर देता हूँ ठीक है। चलो इसे हम कर देते हैं रैंक 3 पे पुश, अब इसे रैंक 3 मैक्स आउट करने का ट्राई करते हैं। ओके ये हमने किया लेवल 4 तक इसे ट्राई, स्पेशल 1 स्पैम करते रहोगे तो आप रैप्चर्स के स्टैक्स बनाते रहोगे एंड आपको मजा आएगा खेलने में। यहाँ पे हम थोड़े बहुत ISO और क्लेम करते हैं, अब आ गया है म्यूटेंट, तो अब यहाँ पे चलते हैं किटी प्राइड पे सीधे और किटी प्राइड को जल्दी से जल्दी रैंक 2 मैक्स आउट करने का ट्राई करते हैं, अगर हो सका तो हम उसे कोशिश करेंगे रैंक 3 पे भी डाल दें। फिलहाल किटी प्राइड को रैंक 2 मैक्स आउट करते हैं, लेवल 22 तक हमने पुश कर दिया है किटी प्राइड को। अब क्या है मेरे पास में वॉक्स, अरे यार कॉस्मिक आ गया है तो कॉस्मिक को और अपग्रेड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं लेवल 26 तक। अरे 3 लेवल पुश हुए क्या, 4 लेवल टोटल, बड़ा कम हुआ यार, मैंने सोचा था ज़्यादा होगा। ओके फिलहाल वॉक्स को हम करते हैं अपग्रेड, ये रहा वॉक्स एंड हो जा भाई क्या हो गया। ओके ये आ गया है यहाँ पे लेवल 24 तक हमने, अरे भाई इसको भी छोटा ब्रिक चाहिए क्या, मेरे पास में ग्लैडिएटर भी है वैसे,
3000 का बेसिक वाला ब्रिक चाहिए इसे भी, तो ये 3000 का ब्रिक हमारे को क्लेम करना पड़ेगा। ये कर दिया हमने यहाँ से क्लेम, एंड आई थिंक लेवल अप इवेंट जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ में बॉक्स को हमने रैंक 1 मैक्स आउट कर दिया है। निक फ्यूरी को करना था लेकिन निक फ्यूरी का समय नहीं आया हमारे को अपग्रेड करने का, इसलिए हम उसको नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल ग्लैडिएटर में कुछ पॉइंट और डाल देते हैं। लेवल 5 तक हमने पुश कर दिया है ग्लैडिएटर भाई को भी। इसे अवेकन की जरूरत है लेकिन मैं अवेकन जेम डाल दूंगा इसमें, मेरे पास है भाई तो मैं डाल दूंगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है मुझे काफी सारे ISO बेचने पड़ जाएंगे यहाँ। ओ भाई ओके, तो गाइज यहाँ पे एक लेवल अप इवेंट आ चुका है। आप लोगों को पता है कि निक फ्यूरी अभी तक लेवल अप पूरा मैक्स आउट नहीं हुआ है, क्योंकि यार मैं अपनी इन्वेंटरी के हिसाब से रैंक अप कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता भाई दूसरे में एक को करूँ और दूसरे वाले एक्सपायर हो जाए ISO, तो इसलिए यार मेहनत लगती है ISO को जमा करने में, इसलिए मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। फिलहाल हमारी इन्वेंटरी में साइंस भर रखा है, तो फोटोन में कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं। आई थिंक फोटोन को मैंने अभी तक रैंक 2 पे पुश कर सकते हैं इसको कि नहीं, रैंक 3 सॉरी, सिल्क को रैंक, यार रैंक 5 की डिजर्विंग है सिल्क वैसे तो। फोटोन को मैं सोच रहा हूँ कर देता हूँ आगे, अगर रैंक 2 पे भी पुश करना पड़े तो कर लेंगे। लेवल 20 तक हमने फिलहाल इसको डाल दिया है। अब आता है म्यूटेंट और आता है कॉस्मिक। ओके कॉस्मिक में आई थिंक मेरे को वॉक्स मिला था, अब आ गया है टेक, तो टेक और देखते हैं यहाँ पे कॉस्मिक में। देखो साइंस हटाओ पहले, कॉस्मिक में हमें मिला था वॉक्स, हम वॉक्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ग्लैडिएटर भी मिला था हमें, ग्लैडिएटर को भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ग्लैडिएटर में अवेकनिंग जेम डालने के बाद करेंगे। इसे हमने रैंक 1 मैक्स आउट कर दिया है, रैंक 2 पे मैंने इसको पुश कर दिया, एंड अब करते हैं इसे अपग्रेड। वॉक्स एक ऐसा चैंपियन है जितने ज़्यादा डीबफ सामने वाले पे होंगे उतने ज़्यादा डीजनरेशन ये डाल, ऐसे ही कुछ है डीजनरेशन डालता है ये। हाँ बाकी अब देखा टैक में हमारे पास में लेडी डेथ स्ट्राइक है, लेडी डेथ स्ट्राइक एक बहुत ही बढ़िया चैंपियन, एबिलिटी एक्यूरेसी गिरा देती है बिल्कुल, ये एबिलिटी फेल कर देती है। सेबर टूथ की तो बहुत बढ़िया काउंटर है, एंड रीजनरेशन वालों के सामने की बैंड बजा देती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए हमारी इन्वेंट्री में मिस्टिक थोड़ा बहुत है, मिस्टिक में अगर देखा जाए तो मैं विकन में कुछ पॉइंट्स डाल सकता हूँ, वेयरवुल्फ में कुछ पॉइंट अपग्रेड कर सकता हूँ, उसमें पॉइंट डाल सकता हूँ। यार इसको लेवल रैंक 2 पे करना है सैस्कॉच को, लेकिन फिलहाल नहीं। यहाँ पे विकन में अगर कुछ पॉइंट डालो, मैं लेवल 8 तक मैंने पुश कर दिया है। अब देखते हैं इन्वेंट्री में क्या बर रखा है मेरी। अब स्टैश में क्या आता है, ओके अरे मिस्टिक आ रहा है यार, चलो अच्छी बात है, विकन को ही पुश करते हैं फिर, विकन में डालते हैं थोड़े और पॉइंट, लेवल 14 तक पुश कर दिया है। विकन एक बहुत ही बढ़िया चैंप है, कॉस्मिक का तो भाई ये बैंड बजा देगा कॉस्मिक की, जितने ज़्यादा चैंपियन आप इसके सामने जो भी लाओ, जितने ज़्यादा डिबफ बफ लाएगा ना सामने वाला, उतने ज़्यादा डिबफ ये डालेगा सामने वाले पे। साइंस में आ गया यहाँ पे फोटोन में, और थोड़े से पॉइंट्स डाल रहा हूँ मैं, इन्वेंट्री के हिसाब से अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ISO एक्सपायर हो, जब एक्सपायर होते फिर बेचने पड़ेंगे और क्या यार, वही होता है फिर दिक्कत, वहाँ पे दुख होता है क्योंकि मेहनत लगती है भाई। यहाँ पे म्यूटेंट में डाल दिया, लेवल 28 तक पुश कर दिया इसको, रैंक 3 पे, रैंक 4, रैंक 5 की डिजर्विंग चैंपियन है यार किटी प्राइड। ओके कॉस्मिक में हमारे पास वॉक्स आ गया, वॉक्स में कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं हम यहाँ पे। अब रह गया टेक, अब देखते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री में और क्या पड़ा है मेरे पास। बेसिक आ गया, बेसिक और टेक आ गया वापस से यार, तो हम आई थिंक हाँ टेक वाले में ही डालते हैं फिर, अब लेडी डेथ स्ट्राइक में ही डालते हैं सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे लेडी डेथ स्ट्राइक को करते ओपन। ये डाले मैंने इसमें, लेवल 20 तक पुश कर दिया है, रैंक 3, लेवल 20 तक पुश कर दिया है लेडी डेथ स्ट्राइक को। आर्मी रेडी हो रही है यार आहिस्ता आहिस्ता, अब खेलना है यहाँ से हमने सेकंड अकाउंट से एक्ट 8 शुरू करेंगे, यहाँ से पूरा 8.3 तक जाएंगे। वेलियंट तो शायद मुश्किल है अभी यहाँ पे बनना, लेकिन मेन अकाउंट में भी अभी कहाँ बनना मैं यार, वो भी तो दिक्कत है। 7-स्टार रैंक 3 करना मुश्किल है, 7-स्टार रैंक 2 कर सकते हो, रैंक 3 करना मुश्किल है। टायर 4 अल्फा नहीं मिल रहा है यार। ओके लेवल 34 तक किटी प्राइड को भी पुश कर दिया हमने, मैंने इसमें रैलिक भी डाल रखा है। फोटोन को, फोटोन लगभग रैंक 1 मैक्स आउट हो चुकी है यार। हाँ अब सुअर में भी कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं। और गाइज मुझे लगता है लेवल अप इवेंट जो है ना अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एंड नेक्स्ट लेवल अप पे देखेंगे। नेक्स्ट लेवल अप वीडियो में मिलूंगा आप लोगों से, आई होप आप लोगों को ये लेवल अप वीडियो हमने यहाँ पे सेकंड आर वाइफ किया है तो पसंद आया हो। अगर पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखो, बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।